हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने अभी भी 10 देशों पर ट्रेवल बैन लगाया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है, प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल है। यहां से अभी सऊदी अरब के लिए वही लोग डायरेक्ट जा सकते हैं जो लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर छुट्टी पर आए हुए हैं, बाकी लोग वाया होकर ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने पाबंदी में कुछ और ढील दी है। अब सऊदी हुकूमत ने कुछ और लोगों को डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन दे दिया है, चाहे उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई हो सऊदी अरब से, चाहे दोनों लगवाई हो, या चाहे कोई भी ना लगवाई हो, तो भी वो ट्रेवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट। ये कौन लोग हैं जो सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं, कौन से खास लोग हैं जिनको सऊदी हुकूमत ने डायरेक्ट ट्रेवल करने की परमिशन दी है, तो ये ट्वीट सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए जो सऊदी गजट की तरफ से किया गया, जिसमें लिखा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे दैट एकेडमिक फैकल्टी मेंबर्स एंड टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम कंट्रीज फेसिंग ट्रेवल बैन विल बी अलाउड डायरेक्ट एंट्री इनटू सऊदी अरबिया। यानी जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, इसके अलावा जो फैकल्टी के मेंबर हैं, साथ में जो स्कॉलरशिप पे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो इन सब लोगों को डायरेक्ट ट्रेवल करने की परमिशन दी गई है। उन्होंने चाहे वैक्सीन की एक डोज लगवाई हो, चाहे दो लगवाई हो सऊदी अरबिया में, या चाहे कुछ भी ना लगवाई हो, तब भी वो इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट ट्रेवल कर सकते हैं। अगर उन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगवाई है तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, अगर दोनों लगवाई है तब भी नहीं होना पड़ेगा, अगर वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है तब उन्हें सऊदी अरब में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ये सऊदी के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट आई है। इसके अलावा गाका ने भी इस पर अपडेट दी है कि ये अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ और लोगों को डायरेक्ट ट्रेवल करने की परमिशन दी गई है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर शामिल हैं, फैकल्टी के मेंबर शामिल हैं और स्टूडेंट शामिल हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट थी सऊदी अरब को लेकर। बहरहाल उन लोगों के लिए फ्लाइट में कब परमिशन होगी जो लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, जो अधिकतर लेबर तबका वाले हैं, उनको कब परमिशन मिलेगी, इस पर दोस्तों हम सबको इंतजार है बेसब्री के साथ में। बहरहाल दोस्तों, इस पर आगे कोई अपडेट होगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।